हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देवगढ़ पुलिस ने रोडवेज कर्मचारी पर हमला कर मारपीट और रुपए लूटने के आरोप में बुधवार को 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों ने रास्ते में सवारी को छोड़ आने पर रोडवेज कर्मी के साथ मारपीट की थी और रुपए लूट लिए थे। इसके बाद रोडवेज कर्मी ने 14 मार्च को देवगढ़ थाने में बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। देवगढ़ थाना अधिकारी शैतान सिंह नथावत ने बताया कि 14 मार्च को रोडवेज के परिचालक भरत गुर्जर पुत्र मदनलाल गुर्जर ने देवगढ़ बस स्टैंड पर मारपीट करने की शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि वो रोडवेज बस को उदयपुर से अजमेर लेकर जा रहे थे। इस दौरान बस नाथवा द्वारा बस स्टैंड पर 5 मिनट के लिए रुकी। बस वापसी में निकलने के दौरान परिचालक ने आवाज देकर बाहर खड़ी सवारियों को बैठने के लिए आवाज दी। रोडवेज बस नाथवा द्वारा से 2 किलोमीटर आगे लालबाग चौराहे पर जाने के बाद बस में बैठी एक लड़की ने एक सवारी पीछे छूट जाने की बात कही। इस पर परिचालक ने सवारी को पीछे आ रही दूसरी बस में सवारी को बैठ जाने के लिए कहा। बस के देवगढ़ पहुंचने पर 3 लड़कों ने हॉकी स्टिक से हमला कर दिया परिचालक ने। इस पर चालक ने मामले की शिकायत देवगढ़ थाने में दर्ज करवाई, इन्हें किया गिरफ्तार। देवगढ़ पुलिस ने देवगढ़ के रातड़िया बरलला निवासी गुलजार मोहम्मद 30 वर्ष पुत्र मंसूर मोहम्मद सोरकर मोहल्ला निवासी बंटी उर्फ रियाजुल हुसैन 23 वर्ष पुत्र फारूक मोहम्मद और संटी उर्फ वसीम अकरम 20 वर्ष पुत्र फारूक मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सहायक उप निरीक्षक भंवर सिंह कांस्टेबल उमेश और मुकेश सिंह शामिल थे। जागरूक टीवी की राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारूत की रिपोर्ट।